गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग आए हैं लिपाक्षी, सो गुड मॉर्निंग फ्रॉम लिपाक्षी। वाओ, लुक एट द स्काई, इट्स सो ब्यूटीफुल, और वेदर भी बहुत मस्त है। तो गाइस, आज हम लोग जा रहे हैं लिपाक्षी, जो कि 130 किलोमीटर्स दूर है फ्रॉम माराथली बैंगलोर। एंड अगेन, इट डिपेंड्स कि कहाँ से आप स्टार्ट कर रहे हो, बट फ्रॉम माराथली इट्स 130 किलोमीटर। तो लिपाक्षी एक बहुत ही हिस्टोरिकल प्लेस है। जैसे कि वीडियो आगे बढ़ेगा, और भी अपडेट मिलेगा आपको लिपाक्षी के बारे में कि क्या है वो प्लेस। तो लिपाक्षी जाने के लिए हम लोगों को बैंगलोर एयरपोर्ट रोड लेना पड़ेगा, जो कि बहुत ही सुंदर है एंड वेल मेंटेन्ड है। हम लोगों ने अभी बस नंदी हिल्स क्रॉस किया, उसके बाद आएगा चिकबेल्लापुर एंड उसके बाद लिपाक्षी। कोलकाता से आने के बाद ये हमारा पहला ट्रिप है, क्योंकि कोलकाता से आने के बाद ना हम दोनों बहुत ही बीमार पड़ गए थे एंड इट टुक ऑलमोस्ट 15 डेज यू नो टू रिकवर फ्रॉम दैट इलनेस। बट हम लोग अभी आ गए हैं आप लोगों को एंटरटेन करने के लिए, और आप लोग देखते रहिए ये व्लॉग। नाउ इट्स 9 इन द मॉर्निंग एंड वी स्टॉप्ड हियर फॉर ब्रेकफास्ट इन साई डेलिकेसी रेस्टोरेंट। तो इन लोगों का आउटडोर और इंडोर दोनों का स्पेस है बैठने के लिए, सो वी चोज आउटडोर वन। यहाँ पे सब लोग भी डिसाइड कर रहे हैं क्या खाना है, बहुत बड़ा डिस्कशन चल रहा है। ये काफ़ी ग्रीनरी है ये स्पेस, और मज़ा तो आ रहा है। इंडोर भी काफ़ी स्पेशियस है, बट आउटडोर में ऐसे ग्रीनरी में ब्रेकफास्ट करने का मज़ा ही कुछ और है ना। और हम लोग आए हैं विद आवर रेगुलर बच्चा पार्टीज एंड विद देयर पेरेंट्स। बाय द वे, जब हम लोग एंटर कर रहे थे तब हमें देखने को मिला बहुत सारे फेरारीज एंड लैम्बोर्गिनीज। लिटरली इतना अच्छा लगा, और ये भी सोच के अच्छा लगा कि इतने सारे अमीर लोग आए हैं साई डेलिकेसी में ब्रेकफास्ट करने के लिए, जहाँ पे हम भी रुके हैं। क्या बात, मज़ा आ गया। तो हम लोग आज आए हैं लिपाक्षी, विच इज़ ऑलमोस्ट 130 किलोमीटर अवे फ्रॉम बैंगलोर। तो ये सत्यसाई डिस्ट्रिक्ट में, पहले ये अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर होता था, बट नाउ इट्स अंडर सत्यसाई डिस्ट्रिक्ट। इट्स अ वेरी हिस्टोरिकल प्लेस। तो आज हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे। हम लोगों ने अपना कार पार्क कर लिया और अभी हम लोग जा रहे हैं मंदिर के तरफ। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे बहुत ही सुंदर सा एक पैसेज है मंदिर जाने के लिए, और वो पूरा ग्रीनरी है और बहुत ही पीसफुल सा इन्वायरमेंट है, क्योंकि हम लोग मॉर्निंग टाइम आए हैं यहाँ पे।
तो बहुत ही एक पीसफुल सा एनवायरनमेंट है और मुझे ऑलरेडी एक डिवाइन फीलिंग आ रहा है. तो ये है टेंपल का एंट्रेंस. हम लोगों को चप्पल उतार के जाना पड़ेगा. सो वी केप्ट आवर चप्पल्स इन द कार ओनली. सो इट्स लुकिंग सो ब्यूटिफुल. ह्यूज दरवाजा. तेलुगु में कहते हैं ध्वज स्तंभ. व्हाट इज दैट? ध्वज स्तंभ. ध्वज स्तंभ. ये माना जाता है कि ये मंदिर 500 साल पुरानी है और ये मंदिर एक लो ऑल्टीट्यूड हिल पे बनी हुई है जहाँ पे बहुत सारे ग्रेनाइट का एक्सपोजर हुआ करता था और ये पूरा मंदिर बना है ग्रेनाइट से. अभी हम लोग एंटर कर रहे हैं वीरभद्रा टेम्पल में और जहाँ से हम लोग जा रहे हैं ये मंदिर का नाट्य मंडपा है. देयर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी बिहाइंड द नेम लिपाक्षी. ये माना जाता है कि रावण जब सीता माता को हरण करके ले जा रहे थे उस टाइम पे जटायु आए थे सीता माता को बचाने के लिए और रावण के साथ युद्ध में जटायु घायल होके यहाँ पे गिर गए थे. और राम ने जब जटायु को देखे उस हालत में राम ने कहा तेलुगु में ले पक्षी, जिसका मतलब होता है उठो पक्षी. एंड उसके बाद से ही ये विलेज का नाम हो गया ले पक्षी. ये मंदिर का बहुत सारा अट्रैक्शंस है. फर्स्ट अट्रैक्शन है ये नाट्य मंडपा जहाँ पे बहुत सारे कार्व्ड पिलर्स एंड स्कल्पचर्स है विच एक्चुअली रिफ्लेक्ट्स द ट्रू टैलेंट ऑफ एंशियंट इंडियन आर्किटेक्ट्स. यहाँ पे बहुत सारा म्यूरल पेंटिंग्स भी है जो कि सीलिंग पे बना हुआ है और ये पेंटिंग्स बना है रामायण महाभारत के स्टोरीज के ऊपर जो कि बहुत ही सुंदर है. ये नाट्य मंडपा पे टोटल 70 पिलर्स है जो कि विजयनगरी स्टाइल पे बनी हुई है. एंड आउट ऑफ द 70 पिलर्स वन पिलर इज आवर नेक्स्ट अट्रैक्शन. ये है वो हैंगिंग पिलर जिसका कनेक्शन सिर्फ सीलिंग से है बट अभी थोड़ा सा एज में टच हो रहा है. सो इसके पीछे भी एक अच्छा सा स्टोरी है. ये माना जाता है कि ब्रिटिश एरा में एक ब्रिटिश आर्किटेक्ट आए थे ये हैंगिंग पिलर का मिस्ट्री सॉल्व करने के लिए और वो आने के बाद उसने पिलर को ग्राउंड पे टच करवाने के लिए कोशिश किया एंड ड्यूरिंग दिस एक्टिविटी ही रियलाइज्ड दैट द एंटायर मंडपा स्टार्टेड शेकिंग. तो उसको समझ में आ गया कि ये मंडपा का मेन पिलर है. उस टाइम से ये पिलर थोड़ा सा टच कर रहा है ग्राउंड को पर यहाँ पे जो कोई भी आते हैं ना सब लोग एक बार ट्राई करते हैं विद अ क्लॉथ और अ पीस ऑफ पेपर कि ये एक्चुअली हैंगिंग है क्या नहीं. और हम लोगों ने भी ट्राई किया, ये एक्चुअली हैंगिंग है. Thank you.
मंदिर का थर्ड अट्रैक्शन है। ये माना जाता है कि ये सीता माँ का पैर है और जो हमेशा पानी से भरा हुआ रहता है, बट पानी का सोर्स किसी को पता नहीं है। ये है मंदिर का फोर्थ अट्रैक्शन जो कि है कल्याण मंडपा। यहाँ पे भी बहुत सारे पिलर्स है बट ये कंस्ट्रक्शन अनफिनिश्ड है। यहाँ पे एक गणेश का सिंगल स्टोन स्कल्पचर है जो कि बहुत ही सुंदर है, और दूसरे साइड में एक नागालिंगा और शिवलिंग का स्कल्पचर है। और ये स्कल्पचर ऐसे बना हुआ है कि नागालिंगा इज प्रोटेक्टिंग द शिवलिंगा। ये पूरा ग्रेनाइट बेस्ड है जो कि मंदिर का फिफ्थ अट्रैक्शन है। ये है इंडिया का सबसे बड़ा मोनोलिथिक नंदी स्ट्रक्चर। ये नंदी ऐसे पोजीशन किया गया है कि ये मंदिर का नागालिंग की तरफ देख रहे हैं। बट द इंटरेस्टिंग फैक्ट इज कि ये नंदी और मेन टेंपल का डिस्टेंस है 200 मीटर्स। बट आई एम सरप्राइज टू सी द नंदी इज पोजिशन सच अ वे दैट इट इज एग्जैक्टली लुकिंग एट द नागालिंग ऑफ द टेम्पल। Yet again, a great talent of ancient Indian architects. और ये हमारा sixth and last attraction है। This concludes our tour to Lepakshi. I hope you all like the video. And coming from this much far from Bangalore and exploring Lepakshi and seeing each and every structure and knowing the history of it, it's truly a great feeling.